Please. I kindly request. तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों. भाई साहब सालार का ट्रेलर आ चुका है एंड ठीक है ट्रेलर आया बट यार वो वाइब मैच नहीं हो रही है, वो हाइप सेट नहीं हो रही है कि भाई हम इस मूवी के लिए बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे और इस ट्रेलर के लिए बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे. लेकिन ये ट्रेलर उस हिसाब से हिट नहीं हो पाया. जैसे एनिमल का ट्रेलर आया था, एनिमल का ट्रेलर आते ही भाई जो हिट हुआ है, मैंने एट द मोमेंट 3 से 4 बार उस ट्रेलर को रिपीट मोड में देखा. वजह इसके कि ठीक है जाके रिव्यू देते हैं, नहीं पहले ट्रेलर देखेंगे अच्छे से. एक बार में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था. बट सालार का ट्रेलर एक बार देखा ठीक है. लेकिन हुआ ये उस टाइम पर यार तेलुगु को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन तेलुगु को इतने ज़्यादा व्यूज मिले भी नहीं है. देन उसके बाद एक घंटे के गैप के बाद हमें हिंदी ट्रेलर देखने को मिला था. और जो हिंदी का रेस्पॉन्स है व्यूज के मामले में, नॉट लाइक्स के मामले में, सब बताऊंगा क्या है, कैसा क्या सिनेरियो है. उसके बाद क्या कहते हैं, 24 आवर्स में इसने 100 मिलियन भी क्रॉस कर दिया. भाई ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बिग अचीवमेंट है. क्योंकि सालार का ट्रेलर भाई हर लोग इंतजार कर ही रहे थे कि चलो एक बार जाके देखेंगे ही देखेंगे क्या होता है. लेकिन वही चीज़ ना, इसके लाइक्स और इसके व्यूज देख के पता चल रहा है कि भाई पब्लिक की तरफ से कैसा रेस्पॉन्स इसको मिल रहा है. मतलब पब्लिक ज़्यादा खुश है या नहीं है. अगर मैं देखने के हिसाब से बोलूँ, मतलब प्रशांत नील ने जितना भी अपने ट्रेलर में जो भी कॉन्टेंट रिवील आउट किया है उसके हिसाब से बोलूँ, तो भाई ट्रेलर बिल्कुल एवरेज है, बहुत फार नहीं है. जितना दिखाया है वो जनता को हिट किया है, ना कि यहाँ तक बस आंखों में. ठीक है इसके लिए वेट कर रहे थे, आया ट्रेलर देख लिया, वैसा वाला हाल है. लेकिन अगर इस ट्रेलर को डिकोड करें, इसमें कहानी के ऊपर जाए, तो भाई मूवी में ना बहुत बहुत सॉलिड बहुत कुछ मिलने वाला है. क्योंकि स्टोरी लाइन बहुत ज़बरदस्त होने वाली होगी. अभी एक एक करके डिकोड करेंगे क्या ही क्या होने वाला है. उससे पहले देखेंगे कि भाई अभी कितना ये व्यूज़ गेन कर चुके हैं, लाइक्स गेन कर चुके हैं 24 आवर्स में. भाई सालार के पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि 24 आवर में ऑल लैंग्वेज मिला के, नॉट इन ए सिंगल लैंग्वेज, ऑल लैंग्वेज को मिला के 24 आवर्स में अच्छा खासा व्यूज गेन कर तो लिया है. बट लाइक्स वो भी सब देखेंगे. लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है. कब, जब एक आध मिनट में काम पसंद आ जाए तब. तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब. पहले तो बात करेंगे सालार के ट्रेलर ने 24 आवर्स में, मतलब कल जब 7:19 हो रहे होंगे शाम के, तब इसने 24 आवर कंप्लीट कर लिए थे, तब उस ट्रेलर ने 116 मिलियन प्लस व्यूज गेन कर लिए हैं, जो अभी तक शायद कोई भी ट्रेलर इतना गेन नहीं कर पाया था. सालार के ट्रेलर ने 24 आवर्स में 2.7 मिलियन लाइक्स गेन करे हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड हिंदी को मिलाकर, जिसमें सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेस्पॉन्स हिंदी लैंग्वेज से मिलते आ रहे हैं. भाई 57 मिलियन व्यूज सिर्फ हिंदी से गेन कर लिए हैं एट द मोमेंट जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ. 9,26,000 लाइक. वही चीज़ की यार, 57 मिलियन व्यूज में आपको 1 मिलियन लाइक्स तो हो ही जाने थे. क्योंकि एनिमल का जब ट्रेलर आया था आई थिंक 50 मिलियन भी नहीं हुए थे, देन उसमें 1 मिलियन लाइक्स क्रॉस कर चुका था. हिंदी ऑडियंस, वही चीज़ की हिंदी ऑडियंस को इतना ज़्यादा ये ट्रेलर टच नहीं किया है. क्यों नहीं किया है भाई, एक दो कारण बहुत ही ज़बरदस्त हैं. पहला तो ये, आप एक्शन मासी मूवी दिखा रहे हो, वो चीज़ हमें टाइगर 3, पठान वगैरह सब में देखने को मिल गया. एनिमल में वॉयलेंस किस हद तक का है, अगर एनिमल मूवी से पहले ये ट्रेलर आ जाता तो ये ज़बरदस्त हिट करता. लेकिन एनिमल मूवी जब हमने देखी है, उसके बाद जो हमें वॉयलेंस का वो लेवल देखने को मिला है, वो सारी चीज़ें खोल के दिखाई गई हैं, देन हमें इस सालार के ट्रेलर उतना ज़्यादा हिट नहीं कर रहा है. क्योंकि इससे एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़ जाती है. वाई, क्योंकि हम KGF यूनिवर्स, KGF 2 ये सब देख कर आ चुके हैं. वही डायरेक्टर जब सालार को डायरेक्ट करेगा तो भाई हमारी एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी. तो भाई साहब ये सारा सीन सिनेरियो है ट्रेलर को लेकर, क्यों इतना ज़्यादा हिट नहीं कर रहा है ये ट्रेलर. बॉलीवुड में हिंदी कंटेंट में ही हमें इतना ज़्यादा कुछ मिला है इस साल कि भाई हम बाहर देख भी नहीं पा रहे हैं. हॉलीवुड में बहुत बहुत बेहतरीन कंटेंट चल रहा है इस टाइम पर. गेम ऑफ थ्रोन्स आपने सुना होगा, उसका जो सिक्वल हाउस ऑफ द ड्रैगन्स, भाई सीजन 1 आया था उसमें फाट दिया था. उसका सेकेंड सीजन, हाउस ऑफ द ड्रैगन्स का सेकेंड सीजन आने वाला है, लेकिन कहीं पर भी बात नहीं हो रही है. वर्ल्ड फेमस वेब सीरीज है, नंबर 1 वेब सीरीज, भाई पागल हुए थे उस वेब सीरीज के लिए लोग. लेकिन अभी जो आने वाली है उसमें कतई बात नहीं हो रही है अपने हिंदी रीजन में. क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमें घर में ही इतना सब कुछ देखने को मिल रहा है. लेकिन सालार में जो हमें मिलने वाला है ना भाई, अनएक्सपेक्टेड बहुत कुछ दमदार मिलने वाला है. 2 पार्ट में ये मूवी आनी है. फर्स्ट सीज फायर में तो ऐसा लगेगा कि भाई चलो ठीक है, सब कुछ नंबर जल्दी निकलेगा. लेकिन जो सेकेंड पार्ट आएगा, इसका फाड़ आने वाला है.
ट्रेलर ठीक है उतना ज़्यादा हिट नहीं किया, लेकिन कहानी में बहुत कुछ है। तीन गैंग हैं, खानसार कोई जगह थी उसका, उस जंगल को इन तीन गैंग ने, जो उस ट्रेलर में भी दिखाया है कि भाई 1000 ईयर पहले गजनवी और जो भी थे लुटेरे, लुटेरों से भी खतरनाक ये तीन गैंग के डकैत थे। कौन? बुल गैंग, ईगल गैंग एंड वुल्फ गैंग, जो तीन स्टैचू आप इसमें देख रहे होंगे यहाँ से बिलोंग करते, जिसमें डोमिनेंट में है जिसके पास पावर है वो बुल गैंग के पास पावर है, एंड उस सत्ता की तख्ता पलट करने के लिए ईगल गैंग एंड वुल्फ गैंग दोनों लगातार प्रयास करेंगे, जिसमें हमें टीजर में ट्रेलर में साफ देखने को मिल रहा है कि वुल्फ गैंग बार बार हिट कर रहा है एंड ट्राई कर रहा है, बट ईगल गैंग चालाकी एंड चतुराई से वो भी कुछ करने वाला है, वो अलग चीज होने वाली है। ईगल गैंग को इतना अच्छा, इतना खोल के नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन वुल्फ गैंग जबरदस्त रिटालिएशन कर रहा है। तो एक बार के लिए ना ये सारी चीजें भाई गेम ऑफ थ्रोन से जुड़ती नजर आ रही है। लाइक उसमें क्या था, टारगेरियन फैमिली एंड स्टार्क फैमिली एंड लैनिस्टर फैमिली, जो तीन डोमिनेंट फैमिली थी, जिसमें पावर किसके पास आती है लास्ट में, स्टार्क फैमिली के पास आती है, लेकिन डोमिनेंट में कौन राज कौन कर रहा था, टारगेरियन फैमिली। तो वही चीज होने वाली है, मेन जो थी टारगेरियन एंड स्टार्क फैमिली, वही चीज यहाँ पर बुल एंड ईगल गैंग, ये दोनों फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल में देखने को मिलने। कैसे? देखो, बुल फैमिली के पास सत्ता है जो हमारे पृथ्वीराज सुकुमारन जो इसमें राज करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभास का कनेक्शन में भी हो सकता है ईगल फैमिली से निकल जाए, या फिर कुछ भी हो जाएगा लास्ट में जब वो सत्ता उसके हाथ में आ जाएगी। तो कहानी में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ट्रेलर उतना ज्यादा हिट नहीं किया है अभी। भाई ट्रेलर में प्रभास को एज मैकेनिक दिखा रहे हैं, जिसके भाई कमर पे आपने अगर देखा होगा तो सीन दे रखा है वो पेचकस प्लास वगैरह जो, तो वो मैकेनिक का काम, जिसे भाई इस सत्ता फत्ता से कोई लालच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं वो डिप्लोमेसी वाला हाल देखने को मिल जाएगा। लेकिन डिप्लोमेट सबसे खतरनाक कौन होने वाला है? पृथ्वीराज सुकुमारन, जो प्रभास का फुल फुल फायदा उठाएगा। लेकिन लास्ट में कहानी कुछ ना कुछ जबरदस्त चेंज होने वाली है, या तो प्रभास भी कोई ना कोई फैमिली का मेंबर निकल आएगा, वुल्फ का तो मुश्किल ही लग रहा है, ईगल या फिर बुल, इन दोनों में से किसी एक फैमिली का बंदा ये निकल जाएगा, देन उसके बाद वो चीज़ हमें कनेक्ट होती नजर आएगी। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में था, सत्ता जो थ्रोन्स था, जो पावर थी, वो लास्ट में स्टार्क फैमिली के पास आ जाती है, और वो ही लास्ट में शायद प्रभास के पास आते नजर आए। तो भाई कहानी में बहुत कुछ है, ट्रेलर ठीक है नहीं हिट किया। आप लोगों को ट्रेलर कितनी बार देख लिया वो आप लोग बताएंगे, आपको ट्रेलर कैसा लगा, कितनी उम्मीद है इस मूवी से, क्या ही कहानी आपको मिलने वाली, आपकी थिंकिंग प्रिडिक्शन या फिर अजम्पशन के अनुसार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।